नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। मृतकों के परिवार को राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दी आर्थिक सहायता। जनपद मुजफ्फरनगर में विगत माह मोरना हत्याकांड में दिन दहाड़े अनुज कर्णवाल की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। यह हत्याकांड हाईटेक मामला रहा था। कई दिनों तक अनुज हत्याकांड मीडिया की सुर्खियां रहा था। तो वहीं पुरकाजी में भी एक ऐसा ही हत्याकांड सामने आया था जिसको लेकर मीडिया में सुर्खियां बनी रही थी। तो वहीं आज बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली के बाद मुजफ्फरनगर सीधे डाक बंगले पर पहुंचे राज्य कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल। वहीं डाक बंगले पर पहुंची पुलिस प्रशासनिक अधिकारी व पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री का स्वागत किया। तो वहीं राज्य मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात कर अनुज कर्णवाल की धर्मपत्नी व बच्चों को बुलाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 2 लाख रुपए का सहायता राशि का चेक उनकी पत्नी को सौंपा। और राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर तरफ से मृतक कर्णवाल के परिवार के साथ खड़ी है। वहीं कल राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल पुरकराजी में भी पीड़ित परिवार को 2 लाख का चेक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सौंपेंगे। वहीं राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के साथ जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, जिला महामंत्री शरद शर्मा व श्री मोहन तायल सहित एडीएम प्रशासन अमित कुमार भी मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए मुजफ्फरनगर से विशाल प्रजापति की रिपोर्ट। चेक दिया गया है मोरना में। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जनपद में 2 जगह हुई, एक पुरकाजी में और एक मोरना में। और पुरकाजी में मयंक और मोना में अनुज कर्णवाल दोनों की हत्या हुई थी। यह सामाजिक तत्वों के द्वारा दोनों के ही हत्यारे पकड़े गए हैं। माने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उनसे बातचीत की गई, उनके लिए सहायता की अपील की गई। मेरे द्वारा पत्र भी जारी किया गया, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया। दोनों के लिए 2-2 लाख रुपये की राशि माने मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत की गई है। उसमें अनुज कर्णवाल की धर्मपत्नी को बुला करके आज ये चेक दे दिया गया। कल का चेक पुकाई जाकर उसके परिवार को दिया है। इसके अलावा भी कोई आर्थिक सहायता दी गई है? अब ये जितना हुआ है अभी इतनी जानकारी है, आगे कुछ हो तो बदमाश पकड़े गए। क्या कहना? बदमाश पकड़े गए, दोनों के अपराधी पकड़े गए, सब लोग जेल के अंदर।